नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, जो बच्चे BLLB फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनके क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट होगा दोस्तों एनवायरमेंटल लॉ, यानी कि पर्यावरण अधिनियम 1986। और जो बच्चे LLB कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि LLB सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों एनवायरमेंटल लॉ का सब्जेक्ट है। दोस्तों आप यह मत देखिए कि यह पेपर BLLB का है कि LLB का, आप अपना सब्जेक्ट देखिए। दोस्तों जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 में से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का होता है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछा गया था और यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा, स्वतंत्र भारत में प्रदूषण पर विधिक नियंत्रण पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद तीसरा पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रदूषण एवं पर्यावरण से संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी है एवं जल प्रदूषण से कौन पीड़ित है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण बनाम विकास पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छठवां क्वेश्चन, पर्यावरण के विकास एवं संरक्षण में भारतीय न्यायालयों की क्या भूमिका है, प्रसिद्ध लोकहित वादों के प्रकाश में व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन की सुरक्षा में सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क एवं अनुज्ञा प्राप्त चिड़ियाघरों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दोस्तों आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, फिर भी उस क्वेश्चन को लिख कर आना, उसी से संबंधित आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में। इसके बाद आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित संरक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, स्कॉट होम सम्मेलन पर निबंध लिखिए। दसवां क्वेश्चन कहता है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट एवं ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। दोस्तों यह 10 क्वेश्चन BLLB फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे, और LLB सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों एनवायरमेंटल लॉ का सब्जेक्ट है। उसमें दोस्तों आने वाले समय में BLLB और LLB का एग्जाम होगा। इसी क्वेश्चन पेपर से 4 या 5 क्वेश्चन कम से कम दोस्तों पूछे जाएंगे, और आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।